लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम जारी होने के बाद एनडीए द्वारा सरकार बनाए जाने के लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें पीएम मोदी के बगल वाली सीट पर डीटीपी नेता चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं। उनके साथ नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल बैठे हैं। इनके अलावा पवन कल्याण, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद हैं। लेकिन यूपी में दो सीटों पर जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी सामने की पंक्तियों में बैठे हैं। इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। जयंत चौधरी के समर्थकों और किसान नेताओं द्वारा इस पर नाराजगी जताई जा रही है। उनका कहना है कि जयंत चौधरी को मंच पर जगह और कुर्सी नहीं दी गई। इस अपमान का नुकसान आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जगह नहीं मिली। मोदी जी के यहाँ जो जाएगा उसके साथ यही होगा। पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और हार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में अपमानित किया जाता है। वहीं सपा ने सवाल पूछा कि एक सांसद वाली पार्टी की अनुप्रिया पटेल को मंच पर जगह मिल गई, लेकिन दो सांसद वाले आरएलडी की नेता को नहीं मिली। घोसी से लोकसभा का चुनाव जीते सपा के राजीव राय ने कहा कि जो लोग किसानों को आतंकी कहते थे, उनके साथ जाने पर यही हाल होगा। जयंत चौधरी का ये केवल अपमान नहीं है, बल्कि उन किसानों का भी अपमान है जिनको भला बुरा कहा गया। जयंत को अगर किसानों के सम्मान की चिंता होगी और अपने आत्मसम्मान की चिंता होगी तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव राय ने कहा कि कितना सम्मान था उनका समाजवादी पार्टी में। ऐसी स्थिति में उनको अपने आत्म सम्मान में और किसानों के सम्मान में वहां से निकल जाना चाहिए। हम उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में कहा है कि जो आएगा उसका स्वागत होगा। अखिलेश यादव के पास जो भी आ जाता है उसका वो दिल खोल कर स्वागत करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर एनडीए या जयंत चौधरी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।